हेलो गाइस, तो ये केरला स्टाफ ने सोलर पेपर 2015 का सेट बी है। तो इसका पहला क्वेश्चन था, नर्स टीच द पेशेंट टू रोटेट द साइट ऑफ इंजेक्शन इंसुलिन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज इन अप्रोप्रिएट टू यूज, थाई, सेकंड है एब्डोमन, और थर्ड है फोर आर्म, और फोर्थ है अपर आर्म। तो इसका आंसर है फोर आर्म। मतलब ज़्यादातर इंसुलिन एडमिनिस्ट करने में थाई, एब्डोमन और अपर आर्म यूज किया जाता है, फोर आर्म का यूज नहीं होता। तो इसके अंदर कुछ है, एक एब्डोमन है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन में, एब्डोमन, थाई, आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, ये मतलब इनका इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन में यूज है। मोस्ट रिलायबल और प्रीफर्ड साइट फॉर द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन वो है एब्डोमन। यूजुअली मसाज एट द इंजेक्शन साइट फॉलोइंग द इंसुलिन एडमिशन इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट विल एसिलरेट द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड क्लाइंट मे गोज इन टू द हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन साइट है उसको मसाज नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी वजह से इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन वो ज़्यादा होता है, और इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होएगा तो पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होएगी और इरीटेशन भी होएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ द निकोटीन विल इंक्रीज द बॉडी सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन है, एपिनेफ्रिन है, पेनक्रियाटिक जूसेज है, या फिर हिस्टामिन है। तो इसका आंसर है एपिनेफ्रिन है। थर्ड क्वेश्चन है, थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द डिजिटेलिस इज टू डायलेट द कोरोनरी आर्टरी, स्ट्रेंथ द हार्ट बीट, थर्ड है डिक्रीज एरिदमिया, फोर्थ है डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो इसका थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द डिजिटेलिस, इसका आंसर है स्ट्रेंथन द हार्ट बीट। फोर्थ क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड फॉर ए पेशेंट विथ एक्टिविटी इनटॉलरेंस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, फर्स्ट है एनकरेज रेंज ऑफ द मोशन एक्सरसाइज, सेकंड है यूज व्हीलचेयर फॉर ट्रांसपोर्टिंग, गिव ओनली फ्लूड डाइट, एनकरेज द पेशेंट टू चूज एक्टिविटीज टू बिल्ड एंड्यूरेंस। तो इसका आंसर है बी, यूज व्हीलचेयर फॉर ट्रांसपोर्टिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, थैलेमस है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, या फिर डायनसेफेलोन है। तो इसका आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ बींग अलोन, फियर ऑफ हाइट, या फिर फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस है। तो इसका आंसर है फियर ऑफ क्लोज स्पेस है, क्लेस्ट्रोफोबिया। और एक्रोफोबिया है फियर ऑफ द हाइट। सेवन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ईपीएस में कौन सा फीचर है वो इंक्लूड है, तो एकेथीसिया है, ड्राई माउथ है, फोटो सेंसिटिविटी है, या फिर यूरिनरी रिटेंशन है। तो इसका आंसर है एकेथीसिया। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं ये एंटीसाइकोटिक मेडिसिंस की वजह से डेवलप होते हैं, जिनमें ये एकेथीसिया है, बाकी सब तीन है ये नहीं होते। आठ नंबर क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच एक्सेसिव फ्लूड मूव्स इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस एंड ऑल बॉडी फ्लूड कंपार्टमेंट एक्सपेंड, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन है, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन है, हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन है, तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है। तो ये इसका आंसर है हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन है। फ्लूड जो एक्सेसिव फ्लूड मूव करता है कहाँ से, इंट्रासेलुलर से, मतलब सेल टू इंट्रासेलुलर स्पेस एंड ऑल बॉडी फ्लूड कंपार्टमेंट एक्सपेंड, तो हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन है। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाइपरनेट्रीमिया इज कॉमनली डिटेक्टेड इन पेशेंट विथ, हाइपरनेट्रीमिया मेरे कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है, ऑन स्टेरॉइड वाले पेशेंट है, विथ फीवर है, विथ डायरिया है, ऑन डिजोक्सिन है। तो जो पेशेंट ऑन स्टेरॉइड होते हैं उनमें हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर टेंथ है, मिस्टर रामू इज ऑन डायूरेटिक एंड डिजोक्सिन, रिसेंट सीरम पोटेशियम वैल्यू 2.9 मिलीग्राम पर लीटर, विच ऑफ द अंडर मेंशन फूड आइटम इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट, मिल्क है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ऑरेंज है, तो वुल ग्रेन सीरियल है। तो इनका आंसर है ऑरेंज है। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर महेश इज ऑन लो सोडियम डाइट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फूड आइटम फ्रॉम द अंडर मेंशन लिस्ट, ब्रेड विथ जाम, चीज़,
बनाना और टोमेटो केचप है, तो इसका आंसर है टोमेटो केचप। मिल्क इज अ रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन ए डी एंड बी टू, विटामिन सी एंड के, विटामिन ई, विटामिन बी सिक्स एंड बी ट्वेल्व, तो इसका आंसर है विटामिन ए है, डी एंड बी टू है। इंडिकेशन ऑफ द लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट इज एसिम्टोमेटिक डायवर्टिकुलर डिजीज, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या फिर रिनल फेलियर, तो इसका आंसर है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में लो रेजिड्यू लो फाइबर डाइट देते हैं। मिस्टर पवन वाज ब्रोट टू द कैजुअलिटी फॉलोइंग एक्सीडेंट फॉल फ्रॉम ए ट्री, ही वाज ट्रांसफर्ड ऑन ए ट्रॉली, सडनली द नर्स नोटिस्ड सीसेशन ऑफ द ब्रीदिंग एंड अनरेस्पॉन्सिव, द प्रीफर्ड टेक्निक टू ओपन हिज एयरवे इज हेड टिल्ट चिन मैन्यूवर, जो थ्रस्ट मैन्यूवर, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर या फिर एम्बू वेंटिलेशन। तो पेशेंट क्या क्या है, किस चीज़ का है, वो अनरेस्पॉन्सिव है और ब्रीदिंग भी सीज हो चुकी है, तो इसमें जो थ्रस्ट मैन्यूवर काम में लेंगे। इसमें क्या है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो उस मतलब अनरेस्पॉन्सिव है और मतलब उसकी ब्रीथ भी सीज हो चुकी है, तो उसमें हेड टिल्ट चिन मैन्यूवर हम मोस्टली काम में नहीं देते, सबसे जा थ्रस्ट मैन्यूवर है, क्योंकि उसमें स्पाइन वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए सबसे पहले जा थ्रस्ट मैन्यूवर को ही प्रायोरिटी देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, चूज द इन अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर वाइल परफॉर्मिंग द BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, डिटरमाइन अनकॉन्शियसनेस, ओपन एयरवे, डिफिब्रिलेट या फिर ऑस्कल्टेड फॉर हेड साउंड, चूज द इन अप्रोप्रिएट पूछा है, तो डिटरमाइन अनकॉन्शियसनेस ये भी किया जाता है, ओपन एयरवे भी किया जाता है, डिफिब्रिलेट भी किया जाता है, लेकिन ऑस्कल्टेड फॉर द हेड साउंड नहीं किया जाता। देखिए बेसिक लाइफ सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें ना बहुत बार मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट को क्या बोलते हैं, CPR बोलते हैं, ठीक है, ये इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग लाइफ सेविंग प्रोसीजर है CPR, ठीक है, जो ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को सुचारू रूप से मतलब इस CPR के थ्रू हम चला सकते हैं ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को, ठीक है। ये इंडिकेशन इसके देखें तो देखिए कार्डियक अरेस्ट है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, टेकीकार्डिया है, ठीक है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, एसिस्टोल, ठीक है, एक्सीडेंट और इंजरी वाले पर्सन में, ठीक है, और फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ड्रग रिएक्शन हो गई या फिर ड्रग ओवर डोज है, इन कंडीशन में CPR बेसिक लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर असेसमेंट देखें CPR का, तो उसमें क्या होता है, जैसे अपनियाँ देखना, सबसे अपनियाँ देखते हैं, एब्सेंस ऑफ द पल्स है, डायलेटेड पुपिल्स है, अनकॉन्शियसनेस है, साइनोसिस ऑफ एंड फिट्स है, जैसे अपनिया होएगा मतलब सिचुएशन ऑफ द ब्रीथ मिलेगी, पल्स एब्सेंट मिलेगी, पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ, डायलेटेड पुपिल होगी, ये सारे इनके असेसमेंट है CPR के। इसकी अगर सीक्वेंस की बात करें CPR की, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, डिटरमाइन द अनकॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करते हैं, वो कैसे करते हैं, पेशेंट को टच करते हैं, ठीक है, पेशेंट से उसका नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है, अगर वो रिस्पॉन्स देता है तो उनको CPR की ज़रूरत नहीं होती, अगर वो नहीं देता है तो उसको CPR की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड स्टेप हमारी क्या होती है, असेस पल्स, पल्स को कितने टाइम तक असेस करते हैं, 5 to 10 seconds तक हम असेस करते हैं, ठीक है। इफ़ पल्स एब्सेंट है, अगर पल्स एब्सेंट मिली तो अपन को क्या करना है, CPR देना है, अगर पल्स प्रजेंट है तो कोई CPR की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड स्टेप हमारी क्या होगी, सीक्वेंस है, पहला क्या हो गया अनकॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करना है, सेकेंड पल्स को असेस करना है, थर्ड ग्रुप में क्या करना, चेस्ट कंप्रेशन करना होता है। चेस्ट कंप्रेशन में सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि पेशेंट को खतरे वाली जगह से अलग लेते हैं, मतलब सेफ प्लेस पे शिफ्ट करते हैं, उसके बाद में पेशेंट को फर्म और फ्लैट पोजीशन में लेते हैं, मतलब सुपाइन पोजीशन में फर्म होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी कुछ कंडीशन जैसे अडल्ट में, चाइल्ड या फिर इन्फेंट में, CPR के अंडर क्या, अडल्ट क्या होता है, 8 साल से ऊपर के पर्सन को अडल्ट वाला रेशियो यूज़ करते हैं, और 8 साल से कम है वो चाइल्ड है और इन्फेंट, ठीक है। तो चाइल्ड अडल्ट में क्या रहते हैं, अगर 1:4 है तो 30:2 मतलब 30 कंप्रेशन करते हैं और 2 रेस्पिरेशन देते हैं, ठीक है, अगर रेस्क्योर कितना है, 1 है तो, और अगर चाइल्ड है और रेस्क्योर 1 है तो 30:2 मतलब अडल्ट और चाइल्ड में सेम है, लेकिन इन्फेंट में भी 30:2 है अगर रेस्क्योर कितने हैं, 1 है, अगर रेस्क्योर 2 है तो अडल्ट में 30:2 काम में लेते हैं और चाइल्ड में 15:2 काम में लेते हैं, ठीक है।
और जो इन्फेंट है उसमें भी 15:2 काम में लेते हैं अगर रेस्क्योर 2 है तो, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या देखा जाता है, ओपन एयरवे, उसके बाद में अपन ओपन एयरवे करते हैं कि सीपीआर वाले पेशेंट में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है तो उसमें ओपन एयरवे किया जाता है। तो वो कौन सी मेथड है उसके द्वारा, जैसे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड काम में लेते हैं जिसमें हेड को फॉरवर्ड मतलब हाथ से टच रखते हैं और चिन को ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। एक होता है जा थ्रस्ट, ये मेथड कब यूज़ करते हैं, जैसे कोई पेशेंट को स्पाइन या फिर नेक इंजरी है ना, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से पेशेंट है, फॉल है या फिर ड्राउनिंग है, ये एक्सीडेंट वाला पेशेंट है, तो इन पेशेंट में अपन क्या यूज़ करते हैं, जो थ्रस्ट मैन्यूवर, ठीक है। और लाइक उसके बाद में जैसे चेक ब्रीथ एंड डिलीवर ब्रीथ करते हैं अपन, ब्रीथ कैसे देनी है, मतलब सबसे पहले क्या करना है, नोस्टिल को पिंच करना है, ठीक है, और उसके बाद में उसको क्या करना है, माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी है। ब्रीदिंग डिलीवर करते हैं उसके बाद में सेकंड क्या करते हैं, उसको विजिबल चेस्ट राइज होना चाहिए, जैसे अपन वन ब्रीथ दिया ईच ब्रीथ, ठीक है, तो उसका चेस्ट राइज भी देखा जाता है साथ साथ में। और कितनी ब्रीथ दी जाती है, 20-30 ब्रीथ पर मिनट देनी चाहिए, ठीक है। और जो मतलब एक 2-3 सेकंड में देते हैं ब्रीथ, मतलब हर 2-3 सेकंड में इनको ब्रीथ डिलीवर करते हैं। और अपन क्या करते हैं इसमें, एक्टिवेट करते हैं इमरजेंसी एंड मेडिकल सर्विसेज और सिस्टम को अपन एक्टिवेट करते हैं। तो एडल्ट में इसका अलग रोल है और चाइल्ड और इन्फेंट में इसका अलग रोल है। तो एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट में सबसे पहले अपन कॉल फॉर हेल्प करते हैं, देन उसको फाइव साइकिल ऑफ द CPR और 30:2 यूज़ करते हैं, ठीक है। और चाइल्ड और इन्फेंट में क्या होगा, फर्स्ट तो अपन क्या करते हैं, कंप्लीशन करते हैं 5 साइकिल ऑफ CPR, ठीक है, 30:2, और देन क्या करते हैं, कॉल फॉर हेल्प करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डीफिब्रिलेशन होता है। तो डीफिब्रिलेशन अगर देखें उसके बाद में डीफिब्रिलेशन आता है, डीफिब्रिलेशन से पेशेंट की जो हार्ट रेट है, रिदम ऑफ को रिस्टोर किया जाता है, ठीक है, डीफिब्रिलेशन के थ्रू। ये मोस्टली कब यूज़ होता है, डीफिब्रिलेटरी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी चार्ज होता है डीफिब्रिलेटर में, मतलब कितना करंट है वो देते हैं, तो वो दो फेज में देते हैं, एक बाईफेजिक होता है, एक होता है मोनोफेजिक होता है, ठीक है। तो बाईफेजिक में क्या होता है, बाईफेजिक में मतलब दो बार करके देते हैं, 120-200 जूल तक देते हैं, जबकि मोनोफेजिक में 360 जूल है वो एक साथ देते हैं। इसमें वेस्ट कौन सा है, बाईफेजिक है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्या कहते हैं, CPR के अंदर क्लियर देखते हैं थ्री टाइम्स के अंदर, इसके अंदर 3 क्लियर भी होते हैं, लाइक मतलब आई क्लियर, यू क्लियर और ऑल क्लियर देखा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें देखा गया बेड से मतलब कोई टच नहीं होना, ठीक है। और बिफोर CPR या फिर बिफोर शोक, तो अपन क्या करते हैं, ऑटो सप्लाई है, सिस्टम है, उसको भी ऑफ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से फायर देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इस कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, शोक देने से पहले ऑटो सप्लाई को ऑफ करते हैं। उसके बाद में एक होता है पेडल प्रेशर, इसके अंदर पेडल प्रेशर होता है 25 LBS यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द CPR में रिब फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, फ्लैल चेस्ट देखने को मिल सकता है, फ्लैल चेस्ट में रिब का फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, लंग्स इंजरी हो सकती है और लंग्स कॉन्ट्यूशन हो सकता है, एब्डोमिनल ऑर्गन में इंजरी हो सकती है और एस्पिरेशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और निमोथोरिक्स हो सकता है। तो ये सारा है BLS। BLS बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको समझा दिया पूरी तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हीमोग्लोबिन इन ए नॉर्मल न्यू बोर्न एट बर्थ। 10-12 ग्राम पर DL है, 14 ग्राम पर DL है, 5 ग्राम पर DL है, 21-25 ग्राम पर DL है। तो 21-25 ग्राम पर DL इसका आंसर है। इन ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस फाउंड नॉर्मली ऑन द स्किन कैन कोज, क्या कोज कर सकता है, कोल्ड सोर कर सकता है, निमोनिया कोज कर सकता है या फिर वुंड इन्फेक्शन कर सकता है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसका आंसर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज कर सकता है। 18 क्वेश्चन है, ब्रेडन स्केल इज द असेसमेंट टूल यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द सीवियरिटी ऑफ द ब्रेन एडिमा, प्रेशर अल्सर,
मायोकार्डियल इस्केमिया, सेरेब्रल इस्केमिया। तो इसका आंसर है प्रेशर असर। ब्रेडन स्केल एक असेसमेंट का टूल है जो प्रेशर सोर में काम में लेते हैं, इसी को डेक्यूबाइटस असर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं ब्रेडन स्केल के अंदर, एक तो होता है सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, सेकेंड है मॉइस्चर, थर्ड है एक्टिविटी, फोर्थ है मोबिलिटी, और फिफ्थ है फ्रिक्शन एंड सेयर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए टोटल कितने होते हैं, टोटल इसके अंदर होते हैं 5। तो पहला आता है सेंसरी परसेप्शन, इसके भी अलग अलग स्कोर हैं, सेंसरी परसेप्शन के 4 स्कोर हैं, ठीक है, मॉइस्चर के 4 स्कोर हैं, एक्टिविटी के 4 स्कोर हैं, मोबिलिटी के भी 4 स्कोर हैं, लेकिन फ्रिक्शन एंड सीयरिंग फोर्स 3, इनके 3 स्कोर हैं। इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में टोटल स्कोर हो गया 23। इसके अंदर क्या होता है, माइल्ड रिस्क फॉर प्रेशर सोर, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, और हाई रिस्क प्रेशर सोर होता है। तो माइल्ड में कितना होगा, अगर 15 से 16 है इसका ये ब्रेडन स्कोर का स्कोर आ रहा है तो ये माइल्ड है। मॉडरेट में कितना है, 12 to 14 आ रहा है, ठीक है, और हाई रिस्क फॉर प्रेशर सोर है तो वो लेस देन 12 है। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन थे आपको, मैंने बहुत सारे वीडियो और भी डाल रखे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के, और आगे भी मतलब डाल दूंगी, तो ये सारे वीडियो देखना गाइज, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना।